पर प्रभावी नियंत्रण के लिए शासन के निर्देश पर प्रदेश में 24 मई की सुबह 7 बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है, जिसके संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया शासन के निर्देशों के शत प्रतिशत पालन करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बढ़ाए गए कोरोना कर्फ्यू में मेडिकल स्टाफ को छूट दी गई है। जो लोग अनावश्यक बाहर निकल रहे हैं उन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिना मास्क के घूमने वाले लोगों से 1,000 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है तथा दोबारा पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आवश्यक सेवाओं की दुकानें, किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर को छूट है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, शासन के निर्देशों का 100% पालन कराया जाएगा। केवल जिनके पेशेंट्स घर पर हैं, आइसोलेशन में हैं, उनको दवा के लिए निकलने के लिए हम लोग थोड़ा सा लिबरल रहते हैं। बाकी सभी लोगों को सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। बिना वजह घूमने वालों के खिलाफ 188 के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। बिना मास्क पे घूमने वालों के लिए 1,000 रुपये का मास्क के लिए ना पहनने पर जुर्माना है और दोबारा पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना है। आवश्यक सेवाओं के लिए शासन ने छूट दे रखी है, जैसे राशन की दुकान है या मेडिकल की शॉप्स हैं, इस तरह की एसेंशियल सेवा, दूध है, ब्रेड है, इन तरह की सेवाओं को एसेंशियल सेवाओं में रखा गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को घर में रुकने के लिए आवश्यक सामग्री मिलती रहे।